अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आपको मक्का से निकाला जा रहा था और आप हिजरत कर रहे थे और आप मदीना की तरफ जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मक्का की फ़ज़ीलत के बारे में एक हदीस है कि वल्लाही इन्नका लखैरु अर्ज़िल्लाह, माफ़ कीजिएगा, मक्का के ताल्लुक़ से हदीस है कि आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मक्का को मुखातब करके आपने कहा कि अल्लाह की कसम तू लखैरु अर्ज़िल्लाह, मक्का के बारे में कि तू सबसे बेहतरीन ज़मीन जो है उसमें सबसे बेहतरीन जगह मक्का है, वो अहब्बु अर्ज़िल्लाही इलल्लाह, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद जो जगह है वो मक्का है। वलौला अन्नी उख़रिजतु मिनकी मा ख़रजतु, और अगर लोगों ने मुझे निकाला ना होता मक्का से तो मैं तुझसे नहीं निकलता। इस हदीस को मैंने इसलिए ज़िक्र किया है ताकि जो एक गलत फहमी है और एक ज़ईफ़ हदीस हमारे सामने पेश की जाती है, जो मैं हदीस वो भी पढ़ देता हूँ आपके सामने ताकि दोनों बातें सामने रहें, इसलिए मैंने जानबूझकर इस हदीस को आपके सामने रखा है कि अल्लाह के रसूल की तरफ एक मंसूब हदीस है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तूने मुझे उस जगह से निकाला है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, यानी मक्का। फ़अस्किन्नी फ़ी अहब्बिल बिलादी इलैका, तो मुझे ऐसी जगह जाकर बसा जो तुझे ज़्यादा पसंद है, यानी मदीना। तो उलमाए किराम ने कहा कि हदीस मौजू है और इसका माना भी गलत है। तो पहला मसला मैं सामने रखना चाहता था कि पहली चीज़ तो ये कि मक्का के और मदीना में अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर दोनों के ये हो कि कौन अफजल ज़्यादा है, तो सही बात ये है कि मक्का की फ़ज़ीलत ज़्यादा है। सही हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मक्का को मुखातब करते हुए कि तू सबसे बेहतरीन सरज़मीन है और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब ज़मीन है, अगर लोगों ने, मक्का वालों ने मुझे वहाँ से निकाला ना होता तो मैं मक्का से नहीं निकलता। और ये जो गलत फहमी मौजू हदीस के ज़रिए फैलाई जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह ताला जो शहर मेरे लिए महबूब था तूने मुझे वहाँ से निकाल दिया, यानी मक्का से, तो मुझे उस शहर में बसा दे जो तेरे नज़दीक महबूब है, यानी मदीना, तो ये हदीस मौजू है, मनघड़त है। यानी सनद के लिहाज से ये हदीस मौजू और मनघड़त है, और दूसरी बात यह कि मतन के लिहाज से भी उसमें गलती है, जिसे नकारत कहते हैं, गलती है। गलती क्या है कि गोया कि इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि जो अल्लाह ताला को पसंद है वो अलग है और जो अल्लाह के रसूल को पसंद है वो अलग है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। रसूल की मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला के मोहब्बत के ताबे ही होगी। अल्लाह ताला को जो पसंद होगा उसके रसूल को भी वही पसंद होगा।